फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी इन लिंग्विस्टिक्स, जब हम लिंग्विस्टिक्स में मॉर्फोलॉजी का जिक्र करते हैं तो क्या समझ में आता है? मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स एंड वर्ड फॉर्मेशन। कभी भी बात करते हैं अगर हम मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी का ही मतलब होता है कि हम वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ड्स के स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये एक तरह से लिंग्विस्टिक का ही पार्ट होता है, लिंग्विस्टिक का ही एक लेवल होता है। ठीक है, सो अब अगर हम वर्ड की बात कर रहे होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी उसके बारे में बात कर लेंगे। तो वर्ड स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा आपका मॉर्फिम। ठीक है, सबसे छोटी का ही है, मॉर्फिम के बारे में जानेंगे। फिर उसके साथ आता है आपका फ्री मॉर्फिम, जिसको आप इंडिपेंडेंट मॉर्फिम भी बोलते हो। उसके बाद आ जाता है आपका बाउंड मॉर्फिम। बाउंड मॉर्फिम आपको डिपेंडेंट मॉर्फिम कहला जाएगा। और लास्ट है कॉन्ट्रैक्टिबल मॉर्फिम। सो अभी हम जब फ्री मॉर्फिम की बात करेंगे उसके अंतर्गत हम लेक्सिकल और फंक्शनल मॉर्फिम की बात भी कर लेंगे, और जब बाउंड मॉर्फिम की बात कर रहे होंगे तो इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशनल मॉर्फिम के बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है, कभी भी वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें होते हैं तो मॉर्फिम्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। सो द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर में अगर आप देखो तो जो एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है वही आपका मॉर्फिम कहलाता है। मॉर्फिम के पार्ट्स जैसे हमने बात कर लिया, फर्स्ट पार्ट है उसका फ्री मॉर्फिम। ठीक है, कोई भी मॉर्फिम की बात करेंगे तो दो मॉर्फिम आपको उसमें मिलेंगी। तो फ्री मॉर्फिम क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा, फ्री मींस वो फ्रीली रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, खुद से स्टैंड कर सकते हैं। सो द टाइप ऑफ मॉर्फिम दैट कैन स्टैंड अलोन एंड एज वर्ड्स बाय देमसेल्व्स, वो खुद जो भी वर्ड रहता है वो खुद में ही स्टैंड कर सकते हैं इंडिविजुअली, वो आपका फ्री मॉर्फिम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं लाइक फ्रेंड, बॉय एंड ट्री। ओके, एंड फ्री मॉर्फिम हैव टू कैटेगरीज, इसमें दो कैटेगरीज के फ्री मॉर्फिम्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे अभी। सो ओके, सो फर्स्ट इज लेक्सिकल मॉर्फिम। ठीक है, लेक्सिकल मॉर्फिम रिफर्ड आल्सो एज ओपन क्लास, ये दोनों टर्म याद रखना है, जो लेक्सिकल मॉर्फिम होता है उसी को ही हम ओपन क्लास भी बोलते हैं, बिकॉज वी कैन एड मॉर्फिम्स टू दीज वर्ड्स। ओपन क्लास, ओपन का क्या मतलब होता है, खुला हुआ। खुला हुआ मतलब वो दूसरी चीज़ों को भी अलाउ करता है ऐड करने के लिए, मतलब क्लोज्ड नहीं है, खुला हुआ है, और कुछ चीज़ें उसमें आके ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्सिकल मॉर्फिम या ओपन क्लास मॉर्फिम कहलाता है। दीज आर नाउन्स, ये इसके एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कैटेगरीज इसमें आ सकती हैं। तो लेक्सिकल मॉर्फिम्स के अंतर्गत नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आ सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गर्ल और बॉय, ये क्या है, नाउन है, इनके साथ भी कुछ चीज़ें आके ऐड हो सकती हैं, जैसे ऐसा ऐड होता है, जंप है और लुक, ये दोनों वर्ब हैं, उनमें इनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती है, अफिक्सेस है ना। तो और फिर देख सकते हैं एडजेक्टिव में भी रेड और पिंक, इनमें भी कुछ कुछ अफिक्सेस ऐड हो सकते हैं या बाउंड मॉर्फिम ऐड हो सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल मॉर्फिम। ठीक है, अभी हमने बात कर लिया लेक्सिकल की, अब आते हैं फंक्शनल मॉर्फिम क्या होता है। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा, फंक्शनल मतलब एक कार्यात्मक रूप से काम करे, जस्ट एक उस मतलब काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बट इट्स नॉट लाइक लेक्सिकल। सो वर्ड्स दैट डू नॉट हैव क्लियर मीनिंग, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि वर्ड्स तो होंगे हमको, वो दिए भी रहेंगे, वो अपने आप में एक स्टैंड भी करेंगे अलोन, और उनको कंप्लीट करने के लिए किसी और की चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होगी, बट उनकी क्लियर मीनिंग नहीं होती। कभी कभी मीनिंग होती है क्लियर, कभी कभी नहीं होती है, बट हैज़ ग्रामेटिकल फंक्शन। तो हमें ध्यान देना है मेनली जब फंक्शनल की बात आती है तो हमें याद रखना ग्रामेटिकल फंक्शंस को वो दर्शाता है। ठीक है, और उनकी क्लियर मीनिंग नहीं होती बट ग्रामेटिकल फंक्शन को दर्शाता है। दीज आर कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरीज एंड प्रोनाउंस। सो कंजंक्शंस में जैसे एंड, बट, इनमें ये दोनों ऐसे हैं कि इनको ये यूज़ हम कब करेंगे, जब इनके साथ हम खुद फ्री मॉर्फिम और सारी चीज़ें आएँ तो हम ये यूज़ करेंगे, बट याद रखना है एंड बट
अपने आप में स्टैंड करते हैं, लोन स्टैंड कर सकते हैं, इसलिए ये फ्री मॉर्फिम के कैटेगरी में ही आएगा, न कि बाउंड मॉर्फिम के। तो है तो फ्री मॉर्फिम, बट ये फंक्शनली बस एक फंक्शनल मॉर्फिम की तरह काम आता है, ठीक है। तो सिर्फ फंक्शन करता है, आर्टिकल भी देख लीजिए, दा है, ए है, एन है ना, ये सारी चीज़ें भी आप फंक्शनली यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड क्लास कहला सकते हैं। क्लोज्ड क्लास इसलिए क्योंकि जैसे हमने ओपन क्लास को डिफाइन किया कि ओपन होता है, मतलब उसमें कोई चीज़ आके जुड़ सकती है, बट ये जो फंक्शन मॉर्फिम होते हैं इनमें कोई चीज़ आके नहीं जुड़ सकती, इसलिए इसको क्लोज्ड क्लास बोला जाता है, बिकॉज इट कैन नॉट बी एडेड टू अदर मॉर्फिम। एंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ ही, सी, वी, बट, नॉर एक्सेट्रा, और एग्जाम्पल्स तो मैंने बता ही दी हूँ, आप जितने भी आर्टिकल्स ले सकते हैं, कंजंक्शन ले सकते हैं, ऑक्सिलरीज ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका बाउंड मॉर्फिम, ठीक है। अभी हमने बात किया फ्री मॉर्फिम की, नेक्स्ट पार्ट है बाउंड मॉर्फिम की। तो बाउंड मॉर्फिम्स, दीज आर अफिक्सेस दैट मस्ट बी अटैच्ड टू द वर्ड, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो बाउंड मॉर्फिम होते हैं वो सारे अफिक्सेस होते हैं। अफिक्सेस के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि दैट मस्ट बी अटैच्ड टू द वर्ड, मतलब किसी भी इनको स्टैंड करने के लिए ये किसी भी वर्ड से अटैच्ड होना ज़रूरी है, मस्ट है इनके लिए। सो अफिक्सेस में आप देख सकते हैं, प्रीफिक्स होगा, इनफिक्स होगा और सफिक्स होगा। जैसे नाम से ही समझ में आता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, इनफिक्स मतलब जो बीच में लगता है, सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगता है। एग्जाम्पल के दौरान आप ये देख सकते हैं, जैसे इसमें अन लगा है, फर्स्ट में लगा है, इसलिए प्रीफिक्स है। नाउअडेज में अ जो है वो इनफिक्स है। सफिक्स में एडजस्टमेंट में मेंट जो है वो लास्ट में लगा, इट मींस ये सफिक्स है। सो बाउंड मॉर्फिम्स हैव आल्सो टू कैटेगरीज, इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फिम्स। तो अभी हम बात कर लेंगे इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फिम की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेरिवेशनल समझ लेते हैं, चलो। सो चेंजेस दैट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड व्हेन एडेड टू द फ्री मॉर्फिम, बट देर आर सम एक्सेप्शंस, सॉरी। सो डेरिवेशनल मॉर्फिम्स क्या होते हैं, मेनली इनको हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं हमारे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो अगर नाउन है तो वो वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वर्ब है तो नाउन में, या तो फिर एडजेक्टिव में, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देता है, तो वो डेरिवेशनल मॉर्फिम होता है। ऐसे कुछ डेरिवेशनल मॉर्फिम या बाउंड मॉर्फिम आप उसमें ऐड करते हैं जिससे उसके क्लास में चेंज हो जाता है, कैटेगरी में बदल जाता है। सो वो डेरिवेशनल मॉर्फिम के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जांपल के उसे आप ले सकते हैं, क्लास चेंजिंग होता है एक, और एक होता है क्लास मेंटेनिंग। क्लास चेंजिंग मतलब जैसे वो पूरा क्लास ही चेंज कर दे। सो जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है पे, ठीक है, पे में अगर आप मेंट लगाते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, नाउन। पे क्या था, वर्ब था, वो बन गया नाउन। तो ये पूरी तरह से कैटेगरी चेंज किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज किया। नेक्स्ट है पे, वर्ब है, अब यहाँ पेयर, ये भी नाउन बन गया, तो ये एक क्लास चेंजिंग कहलाता है। सेकंड इसी का पार्ट है एग्जांपल ऑफ क्लास मेंटेनिंग। क्लास मेंटेनिंग मतलब कुछ ऐसे भी इसमें मॉर्फिम्स होते हैं जो कि क्लास मेंटेन करके रखते हैं, बट देखो जैसे पिंक है, पिंक में अगर ISH जो जोड़ देंगे तो पिंक किस कहलाएगी, लेकिन दोनों का क्लास सेम रहेगा। डू है, उसको अगर अनडू बोल देंगे तो वो भी वर्ब से वर्ब में ही जाएगा। सो ये डेरिवेशनल मॉर्फिम के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, अभी लिस्ट ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फिम्स। सो प्रीफिक्स में आपका आ जाएगा री, प्री, अन, एक्स, मिस, को, एक्सेट्रा। सफिक्सेस में आ जाएंगे इश, लेस, ली, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका आ जाता है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम। सो मॉर्फिम्स दैट आर यूज टू इंडिकेट एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ अ वर्ड। सो इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जो इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम होते हैं वो सिर्फ ग्रामेटिकल फंक्शंस को चेंज करते हैं वर्ड के, इनके कैटेगरी में कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे बॉयज़, ठीक है, बॉय और एस, ये और ये बॉयज़, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीन्स। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एस जो जुड़ा है ये यहाँ पे आपका, और ये इसके प्लूरल को दर्शा रहा है, और इसमें
ईडी जुड़ा हुआ है, इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि ये सारे एक ही मतलब अगर ये बॉयज़ जो है वो नाउन में है तो ये दोनों जगह नाउन में ही है, क्लीन एक वर्ब है तो ईडी और आईएनजी या एस जुड़ने से भी उनके क्लास में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। फिर टेकन सिंपलेस्ट हो गया, हैवियर, ये सारी चीज़ें मतलब एक कहना चाहिए इन्फ्लेक्शन सिर्फ जुड़ता है एक फंक्शन ग्रामेटिकल फंक्शन के तौर पे, इसमें क्लास में कोई चेंज नहीं होता है। फिर लिस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम्स, यहाँ पे 8 इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम्स दिए हुए हैं इंग्लिश के, तो आप एक कह सकते हैं नाउन पोजेसिव नाउन्स जो हमने पिछले एग्जाम्पल लिया था, ये आपका जो ये वाला एस होता है, ठीक है, ये पॉजिटिवनेस को दर्शाता है। लाइक हम कभी कभी बोलते हैं बॉयज़ कार, मतलब उसका कार है, मतलब एक पॉजिटिवनेस को दर्शाता है, पॉजेस करता है, उसका अधिकार जताता है, वो वाला एस अलग होता है, और एक एस होता है जो प्लूरल को दर्शाता है। सो एक ये आपका नाउन पॉजिटिव नाउन हो गया, और सेकेंड है आपका प्लूरल फॉर्म जो एस जुड़ता है वो, वर्ब का थर्ड फॉर्म पर्सन सिंगुलर को दर्शाने वाला, एक प्रोग्रेसिव वर्ब आईएनजी जब जुड़ता है तब भी, या पास्ट टेंस में ईडी जुड़ता है, या पास्ट पार्टिसिपल ईएन जुड़ता है, एडजेक्टिव या कंपैरेटिव जो डिग्री में चेंज होता है जैसे, है ना, और सुपरलेटिव में ईएसटी जैसे आपका बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, है ना, उनमें। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम के लिस्ट को दर्शाते हैं, और ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी से जुड़ी हुई हैं जो कि बहुत अहम रूल निभाते हैं, और इनका बहुत ही इनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया होगा ये टॉपिक, एंड प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।